हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉडस आर्ट गैलेक्सी। आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से बेसिक इक्विपमेंट्स और टूल्स चाहिए नेल टेक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। स्पेशली ये वीडियो बिगनर्स के लिए है और आप घर से ही अपना नेल टेक और नेल एक्सटेंशन करना स्टार्ट कर सकते हो। सो फटाफट से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये बेसिक सामान के साथ आप नेचुरल नेल्स, टेम्परेरी एंड परमानेंट नेल एक्सटेंशंस कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा सामान चाहिए। हमें चाहिए नेल कटर, उसके बाद क्यूटिकल पुशर, क्यूटिकल निपर और एक क्यूटिकल कटर चाहिए हमें, और हम इसको अनवांटेड डेड स्किन रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद आता है हमारा टिप कटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होना चाहिए, एक फ्लफी नेल ब्रश डस्ट रिमूव करने के लिए, एक बफर शाइन रिमूव करने, और हमें चाहिए कुछ फाइलर्स। फाइलर्स आपके पास दोनों होने चाहिए, न्यू भी ओल्ड भी, बनाना, डायमंड, स्ट्रेट, कोई भी फाइलर यूज़ कर सकते हो आप। ये जो स्ट्रेट फाइलर है ये मैं नेचुरल नेल्स के लिए यूज़ करती हूँ। और उसके बाद आती हैं हमारी टिप्स। टिप्स हमारे पास सी कट या फिर हाफ मून होनी चाहिए। बेसिकली जो सी कट टिप्स हैं ये बिटन नेल्स पर यूज़ होती हैं, जिनके शॉर्ट नेल्स होते हैं उनके लिए, और जो हाफ मून टिप्स हैं वो आप किसी भी नेल टाइप के ऊपर यूज़ कर सकते हो। अगर हम नेल एक्सटेंशन के लिए सी कट और हाफ मून टिप्स यूज़ करते हैं तो उससे आप कोई भी शेप बना सकते हो, स्केयर्स, कोवल, कॉफिन, बैलरीना, राउंड, कोई भी शेप बना सकते हो। ये मेरे पास कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अभी आप बिगनर हो, आपके लिए सी कट और हाफ मून टिप्स काफ़ी होंगी। ये मेरे पास और भी बहुत सारी टिप्स पड़ी हुई हैं। ये मेरे पास बॉक्स वाली टिप्स हैं और आगे कुछ मैं आपको पैकेट्स वाली टिप्स सिखाऊंगी। ये पैकेट वाली टिप्स हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी टिप्स यूज़ करें, बॉक्स वाली या पैकिंग वाली, वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी हार्ड होनी चाहिए टिप्स आपकी। उसके बाद हमें एक चाहिए स्ट्रॉन्ग नेल ग्लू और एक ब्रश नेल ग्लू एक्सेसरीज अप्लाई करने के लिए। उसके बाद हमें चाहिए एसीटोन नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए विद डिस्पेंसर। नेक्स्ट हमें चाहिए जेल पॉलिश रिमूवर वाइप्स, और इसको हम यूज़ करेंगे एसीटोन के साथ। नेक्स्ट जो हमें चाहिए डिहाइड्रेटर एंड प्राइमर, बेस कोट एंड एक शाइनी टॉप कोट। नेक्स्ट हमें जो परमानेंट नेल एक्सटेंशन करने के लिए चाहिए वो है एक क्लियर एक्रेलिक पाउडर विद डेपेंडिश एंड मोनोमर के साथ, ये है मोनोमर। और हमें एक्रेलिक ब्रशेस चाहिए जिससे हम अपना एक्रेलिक अप्लाई कर सकते हैं एक्सटेंशंस के ऊपर। और हाँ, अगर आप जेल एक्सटेंशंस कर रहे हो तो उसके लिए आपको चाहिए एक हार्ड बिल्डर जेल, और इसके साथ ही आपको चाहिए बेसिक जेल पॉलिशेस कलर। उसके लिए आप ब्लैक, वाइट, एक दो न्यूड शेड और ग्लिटर कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो जो मेरे पास कलर्स हैं जो मैंने फ़र्स्ट टाइम बाय किए थे, जैसे एक ग्लिटर है, वाइट है, ब्लैक है और गोल्डन ग्लिटर है मेरे पास, एक दो न्यूड शेड्स हैं, मैंने रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सब शेड्स भी बाय किए थे। अराउंड मैंने 10 to 12 शेड्स परचेज़ किए थे, लेकिन ये वीडियो बिगनर्स के लिए है तो आप 2 से 3 शेड्स लेकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। जितने मैक्सिमम आप जेल पॉलिशेस के शेड लोगे उतना ही ज़्यादा आप नेल आर्ट अच्छा कर पाओगे विद डिफरेंट कलर्स। नेक्स्ट हमें जो चाहिए वो है यूवी एलईडी लैंप्स। जेल पॉलिश को ड्राई करने के लिए और एक ग्लॉसी फिनिश के लिए हम चूज़ करेंगे एक बजट फ्रेंडली यूवी लैंप। नेक्स्ट हमें चाहिए आर्ट ब्रशेस आर्ट करने के लिए, तो ये कुछ ब्रशेस हैं जिससे हम अपना आर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए डॉटिंग टूल्स जिससे हम अपना नेल आर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए एक मैजिक जेल पॉलिश रिमूवर। उसके बाद आती है हमारी ड्रिल मशीन। तो ड्रिल मशीन के बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे आप नेल को प्रेप भी कर सकते हो ड्रिल मशीन से, बफिंग कर सकते हो, रिमूवल कर सकते हो, और ऑल्सो पियर्सिंग के लिए भी ड्रिल मशीन यूज़ होती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बिगनर भी हो तो आपके पास एक अच्छी ड्रिल मशीन होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये हमारा टाइम सेव करता है।
और इसके साथ हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिट्स मिलती हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो इसको हम सिर्फ रिमूवल के लिए ही नहीं यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है नेल प्रेप, बफिंग और पियर्सिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। और साथ में एक आपको चाहिए सिरेमिक बिट। तो ये रही आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।